अस्सलाम वालेकुम यार, वेलकम बैक। आज का वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है जिसका टॉपिक है हाउ टू मूव सरफेस इन सिविल 3D और मूविंग सरफेस हॉरिजॉन्टली सिविल 3D। के जब आपके पास कोई ऐसी सरफेस होती है, वो डिजाइन सरफेस हो सकती है या ओरिजिनल ग्राउंड की हो सकती है, तो जनरली जो है वो डिजाइन सरफेस ही होती है जिसके हम अपने जरूरत के हिसाब से मूव करते हैं। तो इसमें भी हमारे पास ये एक डिजाइन सरफेस है, ये कंटूर नजर आ रहा है स्क्रीन पे। इसको यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है, जहाँ पे ये जो बाउंड्री दी हुई है ये वाली, यहाँ पे इसको मूव करना है विदाउट जो भी इसके लेवल हैं वो चेंज ना हो। तो आज की वीडियो का टॉपिक यही है कि हम सरफेस को कैसे मूव कर सकते हैं हॉरिजॉन्टली। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, इंशाल्लाह आपको इससे फायदा होगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि न्यू आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सके। तो हम अभी क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि उनको क्या प्रॉब्लम आ रही है और फिर हम देखेंगे कि इसका सोल्यूशन क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम, व्हाट्सअप, क्या हाल है सर? आप ये देख रहे हैं ये लोकेशन, ये वाला जो है ना, ये हमारी एग्जिस्टिंग सरफेस है, इसको हमने चेंज नहीं करना। ये मेरे पास इधर जो है ये डिज़ाइन है, ये ऊपर वाली लाइन आप देख रहे हैं, इसको मैंने ऑलरेडी शिफ्ट किया हुआ है। मुझे ये लेवल चाहिए, ये 23-24। लेकिन अगर इसको मैं इसकी प्रॉपर्टी में जाकर चेक करता हूँ ना, तो आप ये देखें, अगर मैं इसको ये ट्रांसफॉर्मेशन बाय मैंने ऑफ किया हुआ है, अगर इसको ऑन करता हूँ ना, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन में जो इसके लेवल आते हैं वो चेंज हो जाते हैं। ये इतना डिफरेंस आता है, तो अगर वो वापस करता हूँ, ये ऑलरेडी मैंने ट्रांसफर मूव की हुई है, जो मूव करनी है लोकेशन आपको ये मिलेगी। ये जो रेड लाइन है ये हमारा NGL यानी साइड का एसबेड लेवल है, एसबेड लाइन है, और ये वाली डिज़ाइन की लाइन है। ये लाइन को हमने उस लाइन के ऊपर, रेड वाली के ऊपर मूव करना है, यानी कि ये नीचे वाला पूरा प्लान, सिर्फ ये जो NGL डाटा नहीं चाहिए, सिर्फ ये जो ये वाला जो हमारा है ना डिज़ाइन का, ये यहाँ पे कुछ पाउंड्स हैं, ये हमें मूव करने हैं एज पर दिस लाइन जो जेड वाली है। क्वेश्चन हमने देख लिया, अभी हम देखते हैं डाटा को, ठीक है, कि अभी हमने इसमें इस वर्किंग को कैसे करना है, क्योंकि जो मेथड उन्होंने वीडियो में बताया उससे ये नहीं हो रहा, इसलिए हम वो यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। हम अपना दूसरा मेथड यूज़ करते हुए इसको अपडेट करेंगे सरफेस को। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे जो सरफेस है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो कंटूर है इसका जो एलिवेशन नज़र आ रहा है 623 है और ऑलमोस्ट इसी के आसपास के, और यहाँ पे 6228 और 6270 ये तकरीबन यहाँ पे कंटूर का ऑलमोस्ट 623 के आसपास के जो या 622 के आसपास के लेवल इसमें आ रहे हैं। तो यहाँ पे अभी अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास तीन सर्फेस हैं, एक वॉल्यूम सर्फेस है, एक OGL की है और एक ये सर्फेस है जिसको हमने अपडेट करना है, ठीक है। इसमें कुछ एरर हैं यहाँ पे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ट्रांसफार्मर का है, ट्रांसफार्म का है, और फिर यहाँ पे और ओके यहाँ पे है, ठीक हो गया, और यहाँ पे डेफिनेशन में ये एरर आ रहे हैं, ठीक हो गया। ये जो सरफेस ऑलरेडी हमारे पास है, सबसे पहले हम इसके जो ओरिजिनल पॉइंट हैं इनको हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ये पॉइंट आप यहाँ से भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, टूल बॉक्स सरफेस पॉइंट CSV, अगर आप यहाँ से डायरेक्टली करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ से नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे सरफेस स्टाइल में चला जाता हूँ और इसका ये जो लेयर है मैं इसको ऑन कर देता हूँ, ठीक है। सॉरी, ये ट्राइंगल है, ऑन हो गया इसका, और यहाँ पे ये जो पॉइंट लेयर है मैं इसको यहाँ पे ऑन कर देता हूँ। यहाँ पे अभी अगर आप देखें तो ये पॉइंट विजिबल तो हुए हैं, मगर हम इनको सिलेक्शन वगैरह नहीं ले सकते, तो इसको हमें एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। सरफेस को मैंने सिलेक्ट किया, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम सरफेस, ओके, एक्सट्रैक्ट ऑब्जेक्ट, और यहाँ से मुझे पॉइंट चाहिए, ये पॉइंट कैड पॉइंट होंगे, ओके, पॉइंट हमारे एक्सट्रैक्ट हो गए हैं। अभी हमें ये वाले जो लेयर वाले पॉइंट है ये हमें नहीं चाहिए। अभी मैं यहाँ पे DDP टैप यूज करता हूँ कमांड, और यहाँ से मैं इसको पॉइंट क्रिएट कर दे, ये हमारे कैड पॉइंट क्रिएट हो गए यहाँ पे। अभी हमने इन कैड पॉइंट को अपने सिविल 3D कोको पॉइंट में
कन्वर्ट करना है। यहाँ पे आपने पॉइंट क्रिएशन टूल में यहाँ पे ये जो मैनुअल होता है इसको आपने यहाँ पे ऑटोमेटिक पे सेट कर देना है, और यहाँ पे आप देख लें पॉइंट आइडेंटिफिकेशन में और कोई पॉइंट पहले नहीं है, कोको पॉइंट हमारे पास 0 है, तो इसलिए 1 से ये क्रिएट होना स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे कन्वर्ट ऑटोकैड पॉइंट ओके, और यहाँ से विंडो सिलेक्शन से मैं इसको यहाँ पे कोको पॉइंट में कन्वर्ट कर देता हूँ। जैसे मैंने राइट क्लिक किया है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये कोको पॉइंट जो है ये क्रिएट हो गए हैं ओके। अगर आप इनको सेट सिमिलर भी करें तो यहाँ पे आपको ये नजर आ रहे हैं कि ये कैसे सिलेक्शन हो रही है इनकी। अभी इन पॉइंट को हमने एक्सपोर्ट करना है, तो एक्सपोर्ट करने के लिए आप इसके लिए पॉइंट ग्रुप से भी इसको कर सकते हैं और यहाँ पे आउटपुट टैब से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट पॉइंट, यहाँ पे ये फाइल फॉर्मेट आपने यहाँ पे ले लेना है जो भी आपको रिक्वायर्ड है। मैं यहाँ पे कॉमा डेलिमिटर ले रहा हूँ और यहाँ पे ये जो है मैं इसको पॉइंट एक्सपोर्ट का नाम दे देता हूँ ओके, और जस्ट मैं इसको ओके कर देता हूँ। पॉइंट हमारे एक्सपोर्ट हो गए हैं, ठीक हो गया। अभी ये जो पॉइंट है अगर आप इनको ही मूव करना चाहें तो आप इन्हीं को मूव कर सकते हैं, और अगर आप दोबारा से इनको इंपोर्ट करके करें तो भी कर सकते हैं। तो हमने ऑलरेडी एक दफा क्रिएट कर लें तो हम इन्हीं को कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये सरफस है हमारी ओके, ये सरफस है सॉरी, ये कोको पॉइंट है, इनको मैंने सिलेक्ट सिमिलर किया, और इसके बाद जो है हमने अपनी जो सरफस है इसको भी सिलेक्ट करना है और इसको हमने मूव कर लेना है। और यहाँ पे मैं शिफ्ट प्रेस करता हूँ ओके, यहाँ पे ये सरफस भी हमारी इसके साथ सिलेक्ट हो गई है। अभी हमने इनको जो है मूव करना है अपने रिक्वायर्ड पॉइंट पे, तो यहाँ पे मैं मूव की कमांड देता हूँ और यहाँ पे ये जो है मैं नॉड की कमांड देता हूँ ओके, और ये हमारा जो पॉइंट है यहाँ पे है इसको हमने उठा के यहाँ पे रख दिया। तो सरफस भी मूव हो गई है, हमारे पॉइंट भी मूव हो गए हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक हो गया। अभी ये जो सरफस यहाँ तक हमने लेके जानी थी, ठीक है, यहाँ पे अभी अगर आप देखें तो यहाँ पे ये सरफस हमारी एग्जैक्ट उसी बॉर्डर पे आ गई है जहाँ पे हमें रिक्वायर्ड थी, ठीक हो गया। अभी ये जो पॉइंट हमने एक्सपोर्ट किए हैं ये पॉइंट, ठीक है, इनको यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ, ये फाइल है हमारी, इसको मैं सेव एज करता हूँ ओके। मैं यहाँ पे इसको सेव एज करता हूँ ब्राउज, और यहाँ पे अभी मैं इसको इम्पोर्ट का नाम देता हूँ ओके, इम्पोर्ट पॉइंट का नाम देता हूँ इम्पोर्ट पॉइंट्स ओके, और इनके ये जो वैल्यू हैं इनको यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ। सिर्फ मेरे पास एलिवेशन बचा है और पॉइंट नंबर बचा है, सेव करके मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे अभी हम सिविल 3D में आ जाते हैं, यहाँ पे ये एलिवेशन हमारे चेंज हो चुके हैं जैसे हमने क्वेश्चन वाली वीडियो में देखा। तो ऑलरेडी जो है अभी यहाँ पे हम सेटिंग टैब में चले जाते हैं, पॉइंट फाइल फॉर्मेट ओके, पॉइंट फाइल फॉर्मेट, यहाँ से हमारे पास था कॉमा डेलिमिटर ओके, ये कॉमा डेलिमिटेड है, मैंने यहाँ से इसको कॉपी किया और यहाँ पे मैं इसको नाम दे देता हूँ कोई भी ओके। मैं इसको प्लस इंपोर्ट ओके, ये मैंने इसको नाम दे दिया CSV ओके, और यहाँ पे आपने जो भी बाय डिफॉल्ट आपके पास ये आया है आपने इसी को रखना है। यहाँ पे नॉर्थ की जगह नॉर्थ है, एलिवेशन की जगह एलिवेशन है, और यहाँ पे आपने इसको लोड करना है। तो लोड करने के लिए हमें जो पॉइंट इंपोर्ट करने हैं वही फॉर्मेट मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो ये फॉर्मेट हमारा यहाँ पे आ गया ओके, ये फॉर्मेट हमारा यहाँ पे आ गया। अभी हमने जो है यही बाकी जो पॉइंट है हमने यहाँ पे इम्पोर्ट करने हैं। इम्पोर्ट करने से पहले आप इसको जो है पहले भी कर सकते हैं रिप्लेस और अभी भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं फिर यहाँ पे होम टैब में इम्पोर्ट पॉइंट पॉइंट क्रिएशन ओके, और यहाँ पे फाइल फॉर्मेट हमारा अभी इम्पोर्ट वाला है, और यहाँ पे फॉर्मेट जो अभी हमने क्रिएट किया है ये वाला है, मैं जस्ट इसको ओके करता हूँ। यहाँ पे मुझे मैसेज आ रहा है, मैं यहाँ पे ओवरराइट का ऑप्शन लेता हूँ और जस्ट इसको मैं ओके कर देता हूँ, ठीक हो गया। यहाँ पे ये हो गया है। अभी यहाँ पे आपने प्रोस्पेक्टर टैब में आना है, इस कैलबरी को आपने ऑन करना है यहाँ पे, और यहाँ पे आपने इसको यहाँ पे सरफेस प्रॉपर्टी में आना है, डेफिनेशन में आना है
ये जो ऑप्शन है ये आप यहाँ से डिलीट कर दें, ठीक है, और मैं यहाँ से इनको रिमूव फ्रॉम, ओके, रिमूव, रिमूव, ओके, रिमूव, ओके, रिमूव, ओके, और मैं जस्ट इसको ओके करता हूँ, रीबिल्ड करता हूँ। यहाँ पे अभी आप देखें तो ये सरफेस हमें एम्प्टी शो हो रही है। यहाँ पे मैं अभी पॉइंट ग्रुप में जाता हूँ, ऐड और ऑल पॉइंट करता हूँ, जस्ट मैं इसको ओके करता हूँ। जैसे मैंने इसको ओके किया है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सरफेस हमारी बन गई है जो हमें रिक्वायर्ड थी। ओके, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसके एलिवेशन भी अभी सही से आ गए हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ओके, यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं ये जो पॉइंट है इनको मैं अभी यहाँ से लेयर इनकी ऑफ कर देता हूँ, पॉइंट ग्रुप, ओके, और यहाँ पे ये जो स्टाइल है इसको मैंने यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो हमने स्टार्टिंग में देखा था एलिवेशन 6228070। ओके, बाकी रहा ये जो दरम्यान वाले हैं कंटूर, तो ये सरफेस हमारी कंटिन्यू है, इसलिए ये हमें जो आप इसको बाउंड्री के जरिए भी कर सकते हैं और इसको आप ट्राइंगल को डिलीट करके भी कर सकते हैं। तो मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे ट्राइंगल मेथड का। ओके, यहाँ पे ये ट्राइंगल है, इसको आपने यहाँ पे, ओके, यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट किया, डिलीट कर दिया, और इसी तरह यहाँ से हमने इसको सिलेक्ट किया, ओके, और यहाँ से इसको सिलेक्ट करके जो भी है आप अपना इसको कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारी सरफेस जो है वो बन गई है यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं। और अभी सरफेस स्टाइल से मैं इसके ये ट्रायंगल है इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। आप लोग देख सकते हैं जो चीज हमें रिक्वायर्ड थी हमने अपनी सरफेस को मूव भी कर लिया है और उसके जो भी एलिवेशन हमें रिक्वायर्ड थे उन्हीं के हिसाब से हमने इसको सेट भी कर लिया है सिर्फ पॉइंट फाइल को यूज करते हुए। तो उम्मीद है ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि अगर आपके पास कोई भी डिजाइन सरफेस है और आप इसको मॉडिफाई करना चाहते हैं, मूव करना चाहते हैं, तो आप इस तरह इसको इजीली कर सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।